बॉलीवुड बेस्ड है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ठीक है। इसको ऑल ओवर इंडिया रिलीज करेंगे और जून में 15 जून के नियर बाय इसका मिड ऑफ जून इसकी शूटिंग चालू हो जाएगी। स्टार कास्ट के बारे में बताइए, कौन स्टार कास्ट? न्यू फेस है, देवेंद्र जी हैं, ठीक है, ये देवेंद्र जी हैं, और एक हीरोइन जो है वो हमारे आउट ऑफ इंडिया की है, ठीक है, और बाकी जो मार्केट से एक दो स्टार लेंगे हम लोग, जिनसे बातचीत चल रही है, मुश्ताक खान जी हो गए, जॉन ली जी हो गए, तीन चार से हमारी बातचीत चल रही है, ठीक है। किस टाइप की मूवी है और इसकी शूटिंग जो है कहाँ करेंगे, लोकेशन कब? लोकेशन पूरा इसका डिसाइड नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कर्जत के पूरा, क्योंकि ये आउटडोर शूटिंग है पूरी, नियर बाय ऑलमोस्ट कर्जत के जंगलों में करेंगे हम लोग, वही मैंने आपको बताया, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री है। आपसे जानना सर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू मान सर एंड डायरेक्टर सर फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी बंगलो नंबर 7 देने के लिए। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं एक नॉर्मल आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट से स्टार तक का सफ़र सिर्फ मीडिया और जनता के हाथ में होता है, तो प्लीज़ हमको आर्टिस्ट से स्टार बनाने में हमारा मदद कीजिएगा। एंड पूरी मेहनत करेंगे मूवी के लिए, बहुत अच्छा काम करेंगे, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। कितनी तैयारियाँ कर रहे हैं सर? काफ़ी 2 साल थिएटर कर चुका हूँ मैं, एंड एक्सपीरियंस है मुझे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग में मैं नेशनल लेवल चैम्पियन हूँ। और जैसे मार्शल आर्टिस्ट है, मेहनत चल रही है बिल्कुल। सर आप बताइए फिल्मों के कितने गाने होंगे? और फिल्म में गाने 2 हैं और पूरी सस्पेंस पे है, सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर बना रहे हैं हम लोग, और इसका स्टाइल पूरा हॉलीवुड होगा। और इस फिल्म में न्यू फेस में देवेंद्र है, बाकी हमारे जैसे भी उन्होंने मान सर ने बताया कि हमारे मुश्ताक खान वगैरह हैं, कई छोटे करेक्टर हैं जो बाकायदा फिल्म में इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, वो लोग काम कर रहे हैं इसमें। और एक चेहरा हम जरूर उसमें कोई लाने वाले हैं कि जो थोड़ा सा जिससे भाई पिक्चर को पिकअप मिले, पिक्चर को बेचना आसान है, वो हमारी किसी एक बात चल रही है, हम उसका अभी नाम लेकर बात नहीं कर सकते, लेकिन वो उनके मतलब मोस्टली 4 या 5 सीन है, लेकिन वो फिल्म को हमें मतलब वो एक नाम बढ़ाना है, अगर उन्होंने हमें देश सपोर्ट किया तो ये फिल्म लोगों नज़र में आएगी, जल्दी आएगी। और बाकी स्टोरी बहुत अच्छी इसकी है, वैसे सभी लोग कहते हैं स्टोरी बहुत अच्छी, लेकिन इसकी स्टोरी कुछ अभी बताना बेकार है। लेकिन मर्डर मिस्ट्री पे बहुत सारी फिल्में, हाँ बहुत फिल्में बनी है। इस फिल्म की खास मैसेज क्या रहेगा? खास वजह ये, जब ये फिल्म आप अगर बनेगी देखेंगे तो उसमें ये जरूर कहेंगे कि इस फिल्म में बाकी फिल्मों से कुछ अलग है, ऐसा नहीं कि जैसे और फिल्म देखा गया आप बनिया रही है तो उस फिल्म में मैच कर रही है या फला फिल्म मैच कर गया, शायद ऐसा ना लगे आपको, कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई है। हाँ जी, आज कल में एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाना रिस्क नहीं है? रिस्क क्यों नहीं लगता सर, क्योंकि आजकल जितना भी मैंने देखा है, क्योंकि लीक से हट के कितनी स्टोरीज बनती हैं, फिल्में हिट होती थीम पे और एक्टर्स पे, अगर मूवी की स्टोरी थीम एक हटके होगा, जैसे हॉरर भी काफ़ी मूवियाँ बनी है, लेकिन एक हॉरर बीच में ऐसी आती है कि वो पिकअप पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी स्टोरी थीम सब कुछ अलग रहता है, ठीक है। ये भी आप जैसे थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री समझ रहे हो, उनसे स्टोरीज की बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, सब चीज़ें इसकी बहुत हटके हैं। क्या जो जिस टाइप के बॉलीवुड में इसमें चल रहा है तड़के भड़के आइटम वगैरह, तो आपके मूवी में भी देखेंगे कुछ? नहीं सर, आइटम सॉन्ग वगैरह इसमें कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि थीम हमारा पूरा आउटडोर है, फॉरेस्ट की शूटिंग रहेगी पूरी, तो कहानी के हिसाब से जो 2 सॉन्ग है वो है, 2 या 3 सॉन्ग रहेंगे। डायरेक्टर सर, काफी बोल्ड सीन दिखाए जाते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा है या साफ सुथरी मूवी में? बोल्ड सीन नहीं रहेगा, जैसे लोग दिखाते हैं बोल्ड सीन के ऊपर समझते हैं फिल्म चली जाएगी, लेकिन मेरी फिल्म में बोल्ड सीन नहीं होगा, पूरी पिक्चर बहुत साफ़ सुथरी होगी, जैसे लोग पूरी फैमिली साथ देख सकते हैं बैठकर, कोई भी इसमें सीन ऐसा नहीं होगा कि आप लगेगा यार मैं किसिंग है या बेड सीन, बेडरूम के बेड का सीन, ऐसा कोई सीन नहीं होगा इसमें। इसकी शूटिंग कब से चालू हो रही है? हमने 15 जून से प्लान किया हुआ है, और ये जैसे मानसून होता है कर्जत के बाद कोई बंगला भी है देखा हुआ है, बाकी लोकेशन वहीं आसपास ही रहेगा, तो ये हमारा 15 जून से शुरू होगा। ऑन थिएटर कब तक लगेगा? ऑन थिएटर नहीं, अभी तो ये है, एक आइलैंड की थी हमने टेलीफिल्म्स, वो रिलीज होने वाली है, उसको शायद सोशल मीडिया पे हमारी टी सीरीज वगैरह में विनेश में बातचीत चल रही है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से वो कंप्लीट होने वाली है, तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर को देखें हम लोग रिलीज कराएंगे। ये पहली मूवी है हमारी, और एक सीरियल हमने शूट किया है, उसका पायलट दे के रखा है हमने, GTV या बिग मैजिक पर है। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे अपने फिल्म के लिए? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे, भाई बहुत मेहनत की है, बहुत मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट करके हमने
ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे किसी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का या फिल्म इंडस्ट्री के गॉडफादर का हाथ था, हमने खुद से मेहनत की है। सब चीज़ें नए बंदे हों पुराने बंदे हों, लेकिन मेहनत बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी चीज़ देंगे, बहुत अच्छी थिंग सामने आएगी आप लोगों में। आप देखने आएंगे तो आप निराश नहीं हो। मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है बड़े बैनर की मूवीज ही हिट हो, वर्क ऑल डिपेंड ऑन वर्क, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा एंड जरूर जब ये मूवी पर्दे पे आ जाए तो देखना जरूर चाहिएगा। मेरा भी यही है दर्शकों से यही है कि मतलब इस मूवी को एक बार ज़रूर देखने जाएँ। है बहुत बड़े बजट की नहीं, छोटे बजट की है सब लोग, मतलब मेरी फर्स्ट ही मूवी है, इससे पहले मैंने मूवी कहीं रिलीज़ पे है बल्कि अभी रिलीज़ नहीं हो रही हो। तो मैं कहूँगा दर्शकों से एक बार जरूर सिनेमाघरों में आइए और फिल्म को देखिए एक बार, अगर आप लोगों को प्यार मिला तो शायद ये फिल्म हवाई चल निकलेगी। थैंक यू।